बनती है भानक, इनको गैस बनती है, इन्होंने बोला है कि मुझे गैस बनती है। न्यूरोथेरेपी मानती है कि ये दोनों पसलियां हैं, रिब्स, एक ये और एक ये, इसके बीच में न्यूरोथेरेपी मानती है कि यहाँ पैनक्रियाज है। डायग्नोसिस पॉइंट हमारे बता रहे हैं आपको, ये डायग्नोसिस पॉइंट है, वो कैसे साइकिल है जी लोकेट कर रहे हैं, और मतलब ये जोन है नौसारी, आपको नौसारी ले जाए नौसारी में, तेरा पॉइंट तो करो। तो ये पैनक्रियाज है, न्यूरोथेरेपी मानती है कि यहाँ पैनक्रियाज है, इधर दोनों रिब्स के बीच में जहाँ खड्डा होता है, जहाँ एक छोटी सी हड्डी होती है, उस हड्डी के जस्ट नीचे पैनक्रियाज जी, यहाँ पर हमें राइट करेक्ट ठीक है, उसके जस्ट नीचे इधर ये है स्टोमक, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। दुनिया के किसी इंसान को अगर गैस बनती है तो इस एरिया में उसको दर्द रहेगा ही रहेगा। हम अगर ऐसे प्रेशर देंगे तो ये देखिए ऐसे मैं टच कर रहा हूँ उनको खाली, ये देखिए, तो टच करने पे भी उनका फेस बताएगा कि उनको कितनी गैस है इस एरिया में, इसका मतलब इनके स्टमक में मल चिपका हुआ बहुत अच्छा। इसके दो उंगल ऊपर, ये स्टमक का एरिया है, दुनिया के किसी भी इंसान को एसिडिटी बनेगी, हाँ तेजाब बनेगा, तो वो इसी से ऊपर जाएगा, इसी से बैक मारेगा स्टमक से। इसलिए न्यूरोथेरेपी में इसको सबसे पहले ठीक करते हैं, सबसे पहले पेट ठीक करते हैं पॉइंट्स के द्वारा। तो अब हम इनको ऐसे प्रेशर देंगे मामूली सा, ये तो इनको बहुत अच्छी गैस है, ये टच करते अभी तो मैं ऐसे कर रहा हूँ, और अगर ऐसे थोड़ा सा भी ऐसे दिया तो इनको बहुत ज्यादा दर्द होगा, बहुत अच्छा सा। गिनती करनी पड़ती नहीं, ऐसे सिर्फ हमने चेक ही करना है खाली इस प्रकार। अब नहा ये सारा एरिया गैस का है, इसमें हमारे बोलते गैस का एरिया, एरिया ऑफ गैस मतलब स्टोमक का एरिया। अब इसके जस्ट बाद में ये जो पसली है, इस पसली के जस्ट नीचे ये स्प्लिन है, ये स्प्लिन होती है इस पसली के अंदर नीचे, ठीक है जी। इस पसली के नीचे, तिल्ली जिसे बोलते हैं, इस पसली के नीचे कवच का एरिया है, लार्ज इंटेस्टाइन। तो अगर हम यहाँ ऐसे टच करते हैं ये, तो यहाँ भी दर्द है, इसका मतलब उनको पोटी क्लियर नहीं हो रही है, हो रही है पोटी क्लियर होती है, मोशन आता है बरोबर, मतलब क्लियर नहीं, इसका मतलब उनको कवच है, क्योंकि इस एरिया में दर्द है। अगर ये एरिया दर्द वाला नहीं होगा और हम पूरी ताकत लगाएंगे तो दर्द नहीं है, क्योंकि नॉर्मल इंसान को पेट में दर्द होता ही नहीं। अब हम ऐसे मैं सिर्फ टच कर रहा हूँ अभी, तो ऐसे ये अगर मैं थोड़ा सा ऐसे टाइट करूंगा तो इनकी हालत खराब हो जाएगी, इसका मतलब है इनको बहुत अच्छी कवच है, इनकी जो मोशन है वो क्लियर नहीं है, या तो इसमें यहाँ रुका हुआ है, या फिर वो मोशन इनको आता ही नहीं है, बहुत कम आता है। तो इससे अब इसको हम कैसे एक्टिवेट करेंगे, सॉक्स खोलो जी अपना, शिवम चलो ऑर्डर है, राठौर सर गायब हो गया, कौन गिंगो बिंदी लेके आएंगे महाराज, गिंगो बिंदी घर पे रहती है, साथ में नो टंडर रेस्ट पावर तो अभी न्यूरोथेरेपी मानती है कि ये स्टोमक का हमारा ये पॉइंट स्टोमक के लिए होता है, गैस पूरा गैस को खत्म करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नेवल टू जो सूरत एक्सेस के जो पैन है उसी से निकाले। अब हमने इनको इस प्रकार यहाँ टच किया ऐसे, सिर्फ टच करने में इनकी ऐसी हालत है तो सहन नहीं कर पाएंगे। अगर हमने ऐसे पकड़ा इसको ऐसे, सिर्फ ऐसे पकड़ के ऐसे हमने ऐसे टच किया खाली, और ऐसे टच करने में इनको काफी दर्द होगा। जिस दिन ये दर्द निकल जाएगा तो इनका स्टोमक परफेक्ट हो जाएगा, और एक बार में एकदम खुल के पॉटी आएगी इनको, पॉटी मीन्स मोशन, बहुत खुल के मोशन आएगा, और वो गैस वाली गैस है, अपने आप प्यारों को ऐसे कर सकते हैं, हाँ अपने आप नहीं कर सकते, दूसरों को ठीक कर सकते हैं, खुद को नहीं, हम दूसरों को ठीक करने के लिए पैदा हुए हैं, उनको खुश करने के लिए, जिससे वो आते हैं। अब एग्जैक्ट लोकेशन इनकी हम तीन चीजों में